ये कारोबारी हजरात कितने परेशान हैं, 1.5-2 माह हो चुके हैं किसी किस्म की, कोई और दूसरे दुकानदार हैं वो खुल रही हैं दुकानें, हमारी दुकानें बंद की हुई हैं। बैंकों के देख लें बाहर जाके कितना रश लगा हुआ है, वहाँ कोई किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं। सब्ज़ी मंडी चले जाएँ आप, करियाना बाज़ार चले जाएँ, मेडिकल स्टोर पर चले जाएँ, आप बताएँ SOP पे कोई अमल कर रहा है मुझे ये बताएँ, किसी किस्म का कोई अमल नहीं हो रहा। तो ये चंद दुकानें बंद करने से कौन सा कोई किसी किस्म का कोई इसमें कोई प्रॉब्लम है? दुकानदार तो परेशान है, जब ही यहाँ दुकानों के आगे बैठे हैं। तो लिहाजा मेरी हुकूमत से ये अपील है कि हमारा सबका ख्याल रखा जाए और हमें कुछ टाइम दिया जाए, रिलीफ मिलना चाहिए। अगर तस्वीर कर दी गई है तो 3 महीने तस्वीर कर दी जाए, हूँ गरीब बंदा 40-50 हज़ार कराया, ठीक है ना जी, हूँ डेली दे जी, असं हूँ चोरी छुपे काम करते हैं, कोई 5 हज़ार 8 हज़ार 10 हज़ार कमा लेंगे, वह घर का निज़ाम चल जाता, उस हूँ आन के साथ इन्ना तो किया जाए ना कि बिल्कुल किराए माफ़ हो जाए, ठीक है ना जी। तो हूँ ये भी आई चलाई है, जो हूँ अभी दुकाना मुकम्मल तौर पर खोलनी है, अंदरों लभना कुछ नहीं है, वो वास्ते दोबारा सूँ माल वास्ते लोगों के मिन्नत ला करके माल लिया के पैसे कट्ठे करके माल लियाना पैना। इस करके मेहरबानी साढ़े भी शफकत की जाए, ठीक है ना जी, साड़ी खुशी फील है वज़ीर आज़म कि साढ़े भी साथ शफकत की जाए, कि चलो माड़ा मोटा 2-4 घंटे सानू भी दिते जाए, कि चलो अपनी दुकाना खोलन का। देखो ना असी हूँ 50-60 लाख रुपया ला के किराएदार मुलाजम की तनखा अभी कितों देनी है, कितों पे करनी है? 2-2.5 लाख रुपया साड़ा है खर्चा वाद अपना महीने का, असं कितों पे करना? असं बहुत ज़्यादा परेशान हाँ। जहाँ का इमरान खान भी चाहिए सगा कि यह मुकम्मल लाकडाउन करता, पहले 15 दिन मुकम्मल लाकडाउन कर लेंदा, असं भी कोशिश हर बंदा अंदर बहेंदा। देखो ना हूँ नाल दुकानदार कारोबार कर रहे हैं, असं बैठे परेशान हो रहे हैं उन्होंने वाल देख के, लेकिन ये गलत किया जो कुछ भी आवाम वास्ते ना इमरान खान कर रहा गलत कर रहा, पता नहीं पुलिसियां सानू नहीं पता किहड़ियां पुलिसियां कि 2-4 बंदे है जिहड़े इन्होंने इमरान खान ने हीरो बनाए आ, वो बस वो फैसला करी जाना, उन्होंने तो 2-2.5 लाख 3 लाख रुपये तनखा हैगी है, उन्होंने क्यों उन्होंने वास्ते 6 महीने बंद रखने या साल बंद रखन? मसला तो है साडा गरीब लोगों का, साढ़े वास्ते की सोचा? पंजाब से रिक्वेस्ट है कि देखें जितने भी दुकानदार दुकानें बंद रहे इसका सारे के अखराजात दुकानों से जाते हैं, जितनी सेविंग थी सारी खत्म हो गई, इसलिए सारे दुकानदार बाहर निकल आए हैं अपने कारोबार के लिए कोई हल निकाल रहे हैं, इसलिए हमें ना एक मखसूस टाइम दिया जाए, ठीक है, जिससे हम अपना कारोबार चला सकें। जी बाज़ार में बड़ी मुश्किल का सामना है, देखें आप कपड़े और जूती की सिर्फ दुकानें बंद है, जिस तरह के जनरल स्टोर की भी दुकानें बंद है, अगर इस तरह देखी जाए तो कई लोगों ने अपने साथ जनरल स्टोर का काम भी शुरू कर दिया है, लेकिन वो 90% लोग जो काम कर रहे हैं बाज़ार में सिर्फ एक जूती और कपड़े और जो इस तरह के लोग हैं जो इस मसाइल का शिकार हैं, और बहुत से लोग इसी तरह अपने छोटे छोटे फट्टों से कोई जूती बेच के कोई कपड़े का ठेला लगा के कमा रहा था, जो बिल्कुल बंद हो चुके हैं, इसमें हर बंदे के पास तकरीबन घर से पैसे भी खत्म हो गए हैं, ठीक है ना, ये हालात हो गए हैं, तकरीबन हमें थोड़ा टाइम दिया जाए, ठीक है ना, कम से कम हम अपना कारोबार 5-6 घंटे के लिए खोल सकें, ठीक है ना। इसके अलावा आप देखेंगे दुकानें आधा तकरीबन काम खुला हुआ है आधा बंद है, ये देखें आप इधर मंडी की तरफ चले जाएँ तकरीबन इतना रश है, उधर जिस मर्जी बाज़ार में चले जाएँ अल्लाह वाले चौक में इतना रश है, हमारे सिर्फ मेन बाज़ार का क्या मसला है? इधर कोई दुकानदारों को थोड़ा टाइम दिया जाए, मेरी आप वज़ीर आला पंजाब जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमें थोड़ा टाइम दिया जाए, और हमारा कारोबार जिस तकरीबन 90% दुकानदार किराए पर हैं, ठीक है ना, हर बंदा किराया देने पर मजबूर है, और मालिक जो है दुकान के वो कह रहे हैं कि हमारा किराया दो, ठीक है ना, 2 माह होने के करीब है और बिल्कुल हमारे घर में फाको जैसा हाल है, ठीक है जी। जैसा कि लॉकडाउन को शुरू हुए 1 माह से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ कारोबार को मुख्तलिफ शराइत पर SOPs पर खोल दिया गया है, लेकिन कुछ कारोबार ऐसे हैं जो अभी तक बंद है, जिनमें जूता कपड़े ज्वेलर्स और बर्तन और दीगर जो मनारी की शॉप्स हैं ये बंद हैं, यहाँ पे जो ताजर हैं वो बाज़ार आते हैं और मायूसी के साथ वापस चले जाते हैं। ये ताजर हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि हमें भी जैसे दूसरे कारोबार खोले उसी SOPs के तहत हमें भी इजाज़त दी जाए, ताकि हम अपने बच्चों का पेट पाल सकें। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मियां असद, दुनिया न्यूज़, पीर महल।